युधिष्ठिर, धर्म तो इनके जीवन में भी विदुर जी के, लेकिन इनकी कोई बात मानता नहीं है। विदुर जी की बात न दुर्योधन मानता है, न धृतराष्ट्र मानता है। मेरे बंधुओं, आंख का अंधा होना अच्छा है, लेकिन बुद्धि का, दिमाग का अंधा होना अच्छी बात नहीं। धृतराष्ट्र आंख से भी अंधा और दिमाग से भी अंधा। जब विदुर जी ने उसे धर्मयुक्त बात की कि तुम हर क्यों हर बात दुर्योधन की मानते हो, क्यों हर बात आप दुर्योधन की मानते हो, उसको तो आपने समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए, आप हर चीज उसकी मानते हो। लेकिन धृतराष्ट्र अनसुनी करते हैं विदुर जी की। और पांडवों में पांचों भाई युधिष्ठिर की बात मानते हैं, तो महाभारत का युद्ध का परिणाम आपको पता है कि धर्मराज सिर्फ धर्मराज, पांच पांडव मात्र पांच थे और कौरव 100 थे, लेकिन धर्म की बात मानी सभी ने, इसलिए वो विजय हो गए। और कौरवों ने धर्मराज विदुर की बात नहीं मानी, इसलिए वो परास्त हो गई युद्ध में। ये कथा हो गई पुराने, इसमें आज इन कथाओं का क्या अर्थ है? आज भी ये कथा आपको और हमको इशारा करती है कि हमारे जीवन में भी कभी कभी दो भाई होते हैं, एक होता है कौरवों वाला, एक होता है पांडवों वाला। एक हमारा भाई कहता है, एक हमारा मन, वो एक मन कहता है कि क्या रखा इन कथाओं में, क्या रखा इन सत्कर्म में, खाओ पियो मजा मारो, दो दिन की जिंदगी है, क्या खाओ पियो ऐश करो। एक मन ये बोलता है। किसने देखा भगवान को, किसने किसको देखा? खाओ पियो मजा मारो, ये तो साधु ये तो ठग रहे लोगों को, खाओ पियो मजा मारो, किसने क्या, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ऐसे भी लोग बोलते। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, मर जाएगा जब पड़ेंगे यमराज के डंडे, तब याद आएगा। दो हमारे ही अंदर दो पक्ष हैं, एक है पांडवों का पक्ष, एक है कौरवों का पक्ष। इस कथा को सुनकर हमें ये जागृति लेनी है, हमें ये सावधान होना है कि कौरवों ने विदुर की बात नहीं मानी तो वो युद्ध में परास्त हो गए, मर गए सब कौरव। और धर्मराज पांचों पांडवों ने कृष्ण की बात मानी, धर्मराज युधिष्ठिर की बात मानी, तो कम होते हुए भी युद्ध जीत गए। विदुर जी कहते हैं, विदुर जी पूर्व जन्म में यमराज थे। बड़ी अच्छी कथा है। कौन थे विदुर जी? पूर्व जन्म में यमराज थे, लेकिन मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण उन्हें दासी पुत्र होना पड़ा। यहां पर इस कथा को पीछे कहने के पीछे सुखदेव जी महाराज का यही भाव कि भगवान जात पात नहीं देखते, इसलिए विदुर जी का यह चरित्र आया बीच में। परीक्षित भी पूछते क्या भगवान जात-पात देखते, ऊंच नीच देखते हैं? तब परीक्षित को सुखदेव जी महाराज विदुर जी का प्रसंग लाकर सुनाते हैं कि नहीं नहीं, भगवान जात-पात नहीं देखते, भगवान तो मात्र जीवों का भाव देखते हैं, भगवान जात-पात नहीं देखते। कहां तो दासी पुत्र। एक तुलसीदास जी के जीवन की घटना है, सुनो। कथा तो कितनी सारी बची, पर मैं भी अब क्या करूं, अभी हर जगह ब्रेक लगते जाता, हर जगह स्वागत होता, सबका स्वागत स्वीकार करना पड़ता है। हर कथाएं इतनी अच्छी अच्छी है कि उन्हें कैसे फटाफट कहकर जाए, फिर भी बहुत सारी रह गई। अभी तो ध्रुव महाराज भी आए न, कितने 2:30 बज गए। चलो अच्छी चीज, एक तुलसीदास जी के जीवन की घटना। गोस्वामी तुलसीदास जी और रैदास जी इस समकालीन संत हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी और रैदास जी। एक बार जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रैदास जी की महिमा सुनी कि उनकी कठौती में गंगा प्रकट हो गई, इतने भक्त हैं वो, तब गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में विचार आया कि ऐसे भक्तों के पास जाकर एक बार मिलना चाहिए। मैं ये कथा ये इसलिए प्रसंग में इसलिए जा रहा हूं कि भगवान जात पात नहीं देखते। गोस्वामी तुलसीदास जी विदुर जी क्या नाम था रैदास जी के से मिलने के लिए उनकी कुटिया पर गए।